नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो हम आज बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे, उसका मुझे अनाउंसमेंट करने का वक्त ना मिला, लेकिन आप तो जानते ही होंगे, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। और आज का टॉपिक के साथ साथ पहले 10 लोगों के सवाल का जवाब, और आज का टॉपिक के साथ साथ पहले 10 लोगों के सवाल का जवाब, ऑलराइट, तो वो भी ज़रूर लेंगे हम, राइट। सो आज का टॉपिक है एक्ने। एक्ने के बारे में बहुत सारी जानकारी, ज़ोरदार जानकारी आज आपको दी जाएगी। ओहो, हमें ये साइलेंट करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आता रहेगी बातचीत। सो एक्ने के बारे में बातचीत करेंगे और साथ में 10 लोगों के सवाल देंगे, और साथ में बाकी एक्ने के बारे में जो सवाल जवाब है उसके बारे में ज़रूर सवाल जवाब भी हम करेंगे एज़ यूजुअल आपके साथ। आपके पहले शुरुआत करते हैं शॉर्ट में, एक्ने को हम ज़रा समराइज़ करते हैं कि एक्ने क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। एज़ यूजुअल देखिए, स्किन कंडीशन है पिंपल, एक्ने, जिट्स, वाइट हेड, ब्लैक हेड, ये सब एक ही चीज़ है, रेड इन्फ्लेम, पैप्यूल पुस्टुल, जो भी बोल लो आप। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके स्किन के अंदर हेयर पोर्स हैं, हेयर फॉलिकल्स में पोर्स हैं, और ये पोर्स हेयर फॉलिकल के अंदर ऑयल ग्लैंड होता है, जब ये उसके बाहर आने वाला ब्लॉक हो जाता है और पोर्स का ओपनिंग किसी भी प्रकार के ऑयल से, ऑयल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से, तो वो वहाँ पे ब्लैक हेड, वाइट हेड बन जाता है। वाइट हेड ऑयल जब बाहर आ जाता है एयर एक्सपोजर से, ब्लैक हेड बन जाता है, और वो धीरे धीरे अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए, जमा हो जाए, तो वहाँ पर वो बैक्टीरिया बड़ा होकर पिंपल बना देता है, वहाँ पस भी भर सकता है, पेनफुल सिस्ट भी हो सकता है। अल्टीमेटली बैक्टीरिया अंदर ट्रैप होगा तो बॉडी की इम्यूनिटी तो मारेगी उसको, इम्यूनिटी की वजह से ही आपको हो जाता है वो एक्ने। सो इस तरह से होता है एक्ने, और इसी को कहते हैं पिंपल या किसी भी प्रकार का आप मान लीजिए नाम कोई भी दे दीजिए। कारण क्या होते हैं, ज़्यादातर कारण होते हैं हॉर्मोनल्स, हॉर्मोन कारण, यानी जवानी जब फूटती है, जब आपको प्यूबर्टी होती है, तब तो ये एक्ने सभी को आते हैं, ऑलमोस्ट सभी को आते हैं। और जिसको जवानी नहीं होती है तो वो लोग हर एक फीमेल को मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ में, प्रेगनेंसी के आसपास, बर्थ कंट्रोल पिल लेते हुए, या इवन अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस से भी एक्ने आते हैं। रात को नहीं सोए एक दो रात तो भी एक्ने आते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है बहुत ज़्यादा तो भी एक्ने ज़्यादा आएंगे। अगर आप बाल पे ऑयल ज़्यादा लगाते हैं तो भी एक्ने ज़्यादा आएंगे। कॉस्मेटिक्स में अगर ऑयल ज़्यादा है, गलत टाइप के कॉस्मेटिक्स हैं, तो भी एक्ने ज़्यादा आएंगे। कुछ प्रकार की दवाओं से, जैसे आप मान लीजिए आपने स्टीरॉयड ले लिए, टेस्टोस्टेरोन ले लिए, ईस्ट्रोजन ले लिया, बर्थ कंट्रोल पिल ले लिया आपने, तो भी कई बार एक्ने आते हैं। जबकि अगर हॉर्मोनल इम्बैलेंस पहले से हो तो बर्थ कंट्रोल पिल मदद कर सकते हैं। तो ये क्लीशे है एक तरीके का मान लीजिए, और कुछ प्रकार की दवाओं से आती है। इवन स्वेटिंग से, हैवी स्वेटिंग से, ह्यूमिडिटी से एक्ने होते हैं, इसलिए लोग पागल हो जाते हैं। क्या मास्टरबेशन से एक्ने होते हैं, क्या बॉडी बनाने से एक्ने होते हैं, उससे नहीं होते, स्वेटिंग से होते हैं। स्वेटिंग कैसे भी हो उससे हो सकते हैं। तो स्वेटिंग के बाद आपको स्किन केयर करना पड़ता है इसलिए। सो ये सारी कारण से होता है। और इवन कई प्रकार के खाने पीने की चीज़ें, चॉकलेट से, नट्स से, ग्रीसी फूड से, फैटी फूड से एक्ने होते हुए देखे गए हैं। अल्टीमेटली इसका भी वही फंडा है कि ये सब हाई कैलोरी फूड्स हैं, हाई कैलोरी फूड से हीट ज़्यादा जनरेट होती है, तो उससे भी आपको होता है बॉडी बनाने का तरीका, सॉरी। एनीवेज, सो एक्ने हो गया। एक्ने के लिए क्या करें, एक्ने के लिए कोई भाई होता ही है, उससे पता तो चल ही जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करें, देखिए अल्टीमेटली एक्ने के लिए आपको स्किन केयर रूटीन करनी पड़ेगी, कि स्किन को सबसे पहले साफ़ करने का तरीका बदलिए। स्किन को किसी भी डीप क्लेंजिंग, बहुत खतरनाक तरीके के सोप से इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल जेंटल सोप यूज़ करके, माइल्ड सोप होना चाहिए, नॉन ड्राइंग होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन ड्राई ना हो। कंपनी बता सकता हूँ, सीटाफिल, न्यूट्रीजना, राइट, डोव, इन सब के फेस वॉश ट्राई करके देखो। कौन सा फेस वॉश, ये मैं नहीं बता सकता कि हर एक में फेस वॉश अलग सूट करेगा, आपको कौन सा करेगा ये मुझे क्या पता। 3-4 फेस वॉश यूज़ करो जिससे फील अच्छा हो, जिससे स्किन ड्राई ना हो, वो बेटर आप फॉलो करेंगे, राइट। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करो। अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हो जिसमें लिखा होना चाहिए नॉन कोमेडोजेनिक, मतलब वाटर बेस्ड है, मतलब उससे स्किन क्रीम्स हो, चाहे आपके लिप्स, चाहे आप लगाने वाले मस्कारा फस्कारा क्या क्या लगाते हो मुझे नहीं पता, बट वो चीज़ बेसिकली नॉन कोमेडोजेनिक होना चाहिए। सॉरी फॉर दैट, मेकअप का नॉलेज अपने को नहीं है, राइट। रिमूव ऑल डर्ट, ये तो बहुत ज़रूरी है। मेकअप करने से पहले सारे ऑब्वियसली एक बार फेस वॉश करना पड़ेगा, और उसके बाद
एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दिन में फेस वॉश करना, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बाकी पानी से फेस वॉश कर सकते हो, साबुन की बात कर रहा हूँ, साबुन उससे ज़्यादा बार नहीं लगाना है। एक्सरसाइज के बाद हर बार अगर स्वेटिंग हो गई, स्वेटिंग के बाद फेस वॉश ज़रूर करिए। बीच बीच में यू कैन टेस्ट कि एक टिश्यू पेपर से स्किन ऑयली तो नहीं है, स्किन ऑयली तो नहीं, ऑयली स्किन है तो वो ऑयल हटाना पड़ेगा। कई बार यहाँ यहाँ ऑयली, यहाँ ऑयली, या यहाँ ड्राई, यहाँ ड्राई, ऐसे मल्टीपल कंबाइंड फेस भी होता है। सो अगेन, कंबाइंड फेस के लिए फिर यहाँ ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ कम लगाना पड़ेगा। जहाँ ऑयली ज़्यादा है वहाँ पर साबुन ज़्यादा बार लगाइए, एक बार ज़्यादा, जितना ऑयल उतना एक बार ज़्यादा। राइट, सिंपल एज अ पिम्पल, पिम्पल एज अ सिंपल, पिम्पल मेक सिंपल, क्या बोल रहा हूँ। एनीवेज, तो इसके अलावा अगर हेयर में ऑयल ज़्यादा है तो शैम्पू करना पड़ेगा आपके बाल को, डेली कर सकते हैं अगर आप ऑयली ज़्यादा है तो। और भैया स्क्रबिंग ना करो, स्किन को स्क्रब करने से घसने से एक्ने नहीं जाएंगे, उल्टा स्कार हो जाएंगे। घसने से स्टिमुलेट होती है वहाँ पे उल्टी सीधी वो ग्रोथ, तो एक्ने के स्कार होते हैं उल्टा। हमें वहाँ ग्रोथ नहीं चाहिए, वहाँ शांत चाहिए। लिटल इज़ बेटर, द लीस्ट यू डू फॉर योर एक्ने इज़ बेटर। तो इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं करना, जीरो इज़ नॉट बेटर, नॉट डूइंग एनी थिंग इज नॉट बेटर, लिटर इज बेटर। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट नॉट टू डू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी है, बताएंगे। लेकिन आप अपने बाल को जो हेयर कोम करते हैं ना, वो बैक की तरफ, पीछे की तरफ कोम करिए, ताकि आपके बालों में ऑयल्स ना आए। दैट इज़ वन गुड थिंग यू कैन ट्राई। उसके अलावा एग्रेसिवली आए एक्ने को पिक या स्क्वीज या कुछ भी मत करना भैया, दैट इज़ वेरी बैड मिस्टेक, जिसकी वजह से स्कार्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। और टाइट हेयर बैंड्स और ऐसी चीज़ें ना पहने जिसमें कि स्वेट रुक जाएगा, पसीना रुक जाएगा और वहाँ बंद हो जाएंगे। बेसबॉल कैप्स, हैट्स बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, पहनिए, देखिए धूप से बचना जरूरी है मैं समझता हूँ, लेकिन ढीले भी तो पहने जा सकते हैं, थोड़े ढीले, एकदम टाइट नहीं पहननी है, ठीक है। उसके अलावा अपने फेस को बार बार टच ना करें, इवन मोबाइल से ऐसे 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 टच ना करें बार बार, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड इफ़ यू आर एक्ने प्रोन। एंड देन कॉस्मेटिक्स से बचें, कोई भी ग्रीजी कॉस्मेटिक, उल्टे सीधे कॉन्टैक्ट्स कॉस्मेटिक्स ला लगाए ना, और मेकअप को रात भर कतई भी ना रहना दे, जितना कम टाइम उतना ज़्यादा बेहतर। ये हुई बात सारी। इसके अलावा कुछ आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशन, एक्नी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो मोस्ट लोगों को सेफली यूज़ हो जाता है, बेंजोइल परोक्साइड होता है, जो आप 2.5% से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो सूट करा, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आप 5% तक उसको इंक्रीज़ करिए। राइट, अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड 6% पे जा सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड है, बेंजोइल परोक्साइड है, उसके बाद सल्फर है, रिसोसिनॉल है, सैलिसिलिक एसिड है, इन सब पे डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है कौन सा कैसे काम करता है कैसे, उसका वीडियो देखिए। एक्ने की पूरी सीरीज नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अब डिस्क्रिप्शन ढूंढना नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आपको डिस्क्रिप्शन भी देखना नहीं आता, ठीक है कि नहीं। और बैक्टीरिया मारने के लिए अगर आपके एक्नी होते जा रहे हैं तो उस एक्नी के ऊपर पहले बता दूँ एक बार फिर, ये जो ऊपर वाले हमने आपको बताया वो सब एक्नी प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा है, ट्रीटमेंट के लिए कम है। प्रिवेंशन के लिए आप बेंजोइल परोक्साइड लगाएंगे, थोड़ा सा ट्रीटमेंट ज़रूर होता है उससे, लेकिन एक्चुअल ट्रीटमेंट अगर एक्नी ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा क्लिंडामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन का जेल या क्रीम, उसको लगाना पड़ेगा एक्ने के ऊपर। एरी टॉप, एरी जेल, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज़ दैट, दैट इज़ वेरी कॉमन, वेरी कॉमनली यूज। या फिर एडापलिन की भी क्रीम आती है, एडापलिन इज़ टू प्रिवेंशन, नॉट फॉर ट्रीटमेंट, अगेन। राइट, बी वेयर, कई बार इन सब चीज़ों से जो हमने क्रीम बताई है हर एक को सूट नहीं करेगी, किसी किसी को साइड इफेक्ट भी होंगे। तो किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे ये तो दुनिया नहीं जानती, मैं भी नहीं जानता, भगवान भी नहीं जानता। सो इसलिए यूज़ थोड़े दिन यूज़ करो, नहीं हो रहा तो दिक्कत, ठीक है। फैंटास्टिक आइडिया, ओके, आइडिया फैंटास्टिक लग गया, ओके। और याद रखिए थोड़ा सा सन एक्सपोजर एक्चुअली एक्ने के लिए अच्छा है, इसलिए सुबह सुबह की अच्छी वाली धूप में थोड़ी देर जाइए, उससे एक्चुअली एक्ने बेटर होते हैं। बट टैनिंग नहीं करनी है, टैनिंग होगी वो एक्ने छुपा देगी पर एक्चुअली पता नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं, आँख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, एक्ने है तो है। अब बालों के अंदर है, यहाँ दाढ़ी में है तो क्या एक्ने नहीं है? है एक्ने, बिल्कुल है कि नहीं? दाढ़ी है तो एक्ने ज़्यादा होती है, मुझे भी पता है, इसलिए दाढ़ी रेगुलर धोनी पड़ती है, इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं? ओके ओके और फिर उसके बाद मेडिसिंस, कई बार एक्ने नहीं जाते नहीं जाते नहीं जाते नहीं जाते नहीं जाते, तो हार्मोन्स टेस्ट करते हैं और हार्मोन्स के साथ साथ एंटीबायोटिक कोर्स करते हैं। इसमें कई बार डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सीसिलिन, टेट्रासिलिन, पता नहीं क्या क्या एंटीबायोटिक्स के कोर्स लंबे समय तक चला लेते हैं। और इवन लोकल टॉपिकल एंटीबायोटिक जो मैंने बताया, क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, डेप्सोन, ये सब लगा के देख सकते हो आप। इसके अलावा भाई साहब एक्ने की क्रीम्स आती है, जेल्स आती है, जिसमें एक सबसे खतरनाक क्रीम आती है रेटिनॉइड,
एक एसिड यानी कि रेटिनॉल्स यानी विटामिन ए की क्रीम, ट्रेटिनोइन ट्रेटिनोइन रेटिना ए रेटिन ए रेटिन ए, ये सब क्रीम काफ़ी अच्छे से काम करती है, इसकी मेडिकेशन भी आती है और ये तुरंत एक्ने ठीक करती है। लेकिन ये साइड इफेक्ट करती हैं, ये प्रेगनेंसी में साइड इफेक्ट करती है, टेराटोजेनिक है यानी कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इवन अगर आप यूज़ कर रहे हो आज तो साल भर तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे इफेक्ट एक दो महीने तक रहता है, लेकिन कहते हैं कि भैया अगर साल भर में प्लान है तो कतई इसको दवाई की मात्रा तार से मत यूज़ करो, टॉपिकली फिर भी ट्राई किया जा सकता है। अब एडापलीन भी इसका एक तरीके का डेरिवेटिव होता है और रेटिनो ए भी उसका एक डेरिवेटिव है, वो भी आपको हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के यूज़ करना चाहिए। ओरल दवा ले रहे हो तो किडनी लिवर के टेस्ट रेगुलर कराने चाहिए, करने से पहले करने के बाद रेगुलर बेसिस पे, ये बहुत ज़रूरी फंडे हैं जो शायद आपको कोई ना बताएं, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमने ऑलरेडी बताए हैं, अजालिक एसिड हो गया, कोजिक एसिड हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा कई बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आपके हार्मोनल इंबैलेंस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो बर्थ कंट्रोल आपके हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस में ले आएंगे और आपको एक्ने कुछ महीनों में ठीक हो जाएंगे, राइट। फोटोथेरेपी भी एक नाम की चीज होती है, फोटोडायनेमिक थेरेपी, वो भी कई लोग करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, वो डर्म एब्रेशन रिमूवल ड्रेनेज केमिकल पीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है जो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और अगर आप प्रेग्नेंट है गलती से जिसको एक्ने है, प्रेगनेंसी में आप एक्ने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन और वो टाइप की क्रीम्स, और कोई खतरनाक क्रीम ना यूज करें, कोई और चीजें ना यूज करें। इसके बाद हम आपके सवाल लेंगे, ये हुई सिंपल जानकारी एक्ने की, कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पहले हम बताएंगे आपको 10 लोगों के सवाल, ये क्या हो गया, हाँ ओहो सॉरी कहाँ गए भाई साहब, हाँ चलो 10 लोगों के 10 सवाल। सर नॉलेज वाइज इजैक्युलेशन के बाद नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल कितने आवर्स में फुल हो जाती है कैपेसिटी, उसकी वजह से डेली इजैक्युलेशन करने में कर सकते हैं। देखो ये ना हर एक में अलग होती है यार, ये क्या बात हुई कि मैं एक बार खाना खाता हूँ तो मुझे कब भूख लग, किसी में जल्दी भूख लगती है, किसी को लेट भूख लगती है कि नहीं, ऐसे ही किसी का सेमिनल वेसिकल जल्दी भर जाएगा, किसी का थोड़ा देर में भरेगा, लेकिन सबका भरेगा, सबका टाइम आएगा, सबको आएगा। सो ऐसा नहीं है कि आपका टाइम नहीं है, किसी का जल्दी आएगा, किसी का बाद में आएगा, इसका टाइम आएगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका टाइम थोड़ा लेट आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका टाइम नहीं आएगा, आपका टाइम आएगा, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है भाई, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। 3 मिलियन, अच्छा 1 मिलियन, 3 मिलियन बोल दिया तो सॉरी क्यों बोल रहे भाई, 3 मिलियन सही। चलो एनीवेज ओके सर, अनसर्कमसाइज प्लानिंग का प्रॉब्लम होता है कुछ, पहले एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं 10 फटाफट रैपिड फायर, उसके बाद एक्नी के सवाल लेंगे, ठीक है। तब तक आप एक्नी वाला अगर नहीं समझ आया तो बैक करके भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कमसाइज पेनिस का प्रॉब्लम होता है क्या, आई मीन वाइल सेक्स वेयरिंग कॉन ऑफ सर्कमसाइज, अनसर्कमसाइज मतलब आगे की स्किन नहीं हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ऐसे कोई इशू नहीं होती, डोंट वरी अबाउट इट। सर आई हैव नेजल पॉलिप साइनस, डॉक्टर सेड ओनली सोल्यूशन इज ऑपरेशन, ऑल्सो आई हैव कंसल्ट विद फैमिली डॉक्टर, ही सेड ऑपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑपरेशन इज नॉट सक्सेसफुल। अरे भैया ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, अब हर बंदा एग्जाम दे के साइंस पढ़ के या डॉक्टर तो नहीं बन जाता, इसका मतलब क्या साइंस ना पढ़े, अगर आपका पॉलिप है रास्ता अड़गा रहा है तो पॉलिप को निकलवा लो, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, उसके बाद बनेगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटिंग एक्ने इज अनसक्सेसफुल है कि नहीं, लगाओगे वापस दूसरा काहे ट्रीट करना, ऐसा थोड़ी बोलता है कोई। तो आपको नेजल पॉलिप है, वो पॉलिप आपको दिक्कत दे रहा, निकाल लो, कुछ दिन बढ़िया रहोगे, हो सकता है वापस आ जाए, वापस आएगा फिर निकालो, कौन सी मेजर सर्जरी है, टेंशन क्यों ले रहे हो छोटी सी बात का, बताओ हमको। रोड टूटते हैं बार बार टूटते हैं, उसका मतलब बनाओ ही नहीं, बनाना तो पड़ेगा ना, ऐसा टेंशन मत लो। यस मोस्ट आर अनसक्सेसफुल, फिर से आएगा, बट देन डोंट वरी अबाउट इट। हेलो सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई राइट नी, फीलिंग पिंचिंग पेन वैन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, ऑल्सो नॉट गॉट एनी टाइप ऑफ इंजरी रनिंग, MRI गॉट इंट्रा सब्सटेंस पार्शियल ACL टीयर। देखिए स्पोर्ट्स की जरूरत नहीं होती है, पार्शियल ACL टीयर के लिए अगर किसी ने बगल से आके कार का ठुचुक लग गया आपको, कहीं गाड़ी से इंजरी हो गई, कहीं गिर गए, या इवन किसी ने गलत एंगल से नी में झचू मुक्का भी मार दिया तो भी इंजरी हो सकती है, ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है। टीयर है मतलब टीयर है, फटा है मतलब फटा है, राइट। वो टीयर के वजह से आपको दिक्कत हो रही है, वो टीयर के लिए पार्शियल टीयर है, यू नीड लाइफस्टाइल चेंजेस, यू नीड फिजियोथेरेपी, यू नीड फर्दर, अगर दर्द बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है रिपेयर करना पड़े आगे चल के लाइफ में, अभी नहीं कह सकते, तो आगे चल के अगर दिक्कत बढ़ी तो MRI करके कंपेयर करना, इसलिए ये MRI संभाल के रखो। चेस्ट पेन के लिए डिटेल वीडियो है अजमत रजाक
रजाक जी चेस्ट पेन बाय डॉक्टर एजुकेशन, टाइप करो। गुड नाइट शुभम जी, सर आई एम हैविंग पेन इन माय राइट साइड लोअर बैक स्पेशली व्हाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? राइट साइड लोअर बैक, इट माइट बी नस दब रही है या राइट साइड लोअर बैक में। देखिए नॉर्मली अगर आप मिडल बैक को लोअर बैक कह रहे हैं तो किडनी का पेन भी वहाँ हो सकता है। सो किडनी पेन लोअर बैक पे, बेसिक चीज़ से पहले शुरुआत करिए, एक पीठ का एक्सरे कराओ और एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ। फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादातर मस्कुलर प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर लेते हैं, मस्कुलर और स्केलेटल प्रॉब्लम्स को। अगर वैसा कुछ लगेगा तो वो बता देंगे, नहीं तो ऑर्थोपेडिशियन को भी दिखा सकते हैं। ऑर्थोपेडिशियन इतना टेंशन नहीं लेते जब तक ऑपरेशन नाम की चीज़ ना आए। सो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट इज द बेटर चॉइस हियर, सीक्रेट बात बता रहा हूँ, ठीक है? माई सिस्टर इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे पता है। ओके नहीं ऐसा नहीं कि ऑर्थोपेडिशन अच्छे नहीं होते वो, लेकिन पॉइंट इज कि दे लाइक डूइंग थिंग्स। वो नहीं देगा मसल्स फास में छोड़ दो ठीक हो जाएगा, ये ले ऐसे नहीं टेंशन करते हो, ठीक है? ओके देन आई हैव एक्ने स्कार्स, व्हाट शुड आई डू? अगेन एक्ने स्कार के लिए पूरा डिटेल वीडियोस नीचे हैं। अल्टीमेटली इट नीड्स लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने बता चुका हूँ यहाँ आज, और इट नीड्स सम प्रोसीजर, केमिकल पीलिंग, लेजर थेरेपी या कुछ ना कुछ कराना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है? ज़्यादा है तो, वरना नहीं, वरना वो कम हो जाएंगे। हर महीने 6% लाइट होते जाएंगे अगर प्रॉपर देखभाल करोगे। अगर धूप में जाओगे और दिक्कत कराओगे और बड़ा गंदी गंदी क्रीम, उल्टी सीधी चीज़ें लगाओगे तो फिर आपका टाइम आएगा, यानी वो नहीं निकल पाएगा, ठीक है? सो देन ओके वो क्वेश्चन भाग जाते हैं, क्वेश्चन भाग जाते हैं पहले 10 सवाल से। ऑलराइट सर, आई नीड योर हेल्प, एलर्जी हाउ टू सॉल्व। एलर्जी के लिए फुल डिटेल वीडियोज़ हैं फिट्टू सागर जी, आप जाके हमारा वीडियो देखिए, ऐसे कैसे हाउ टू सॉल्व बता दे। अल्टीमेटली एंटी एलर्जिक चीज़ें खाना शुरू करिए, अगर नहीं खाते हो तो ओमेगा 3 खाना शुरू करो पहले, ओमेगा 3। और थैंक यू फॉर योर पेड सवाल, पेड सवाल पे अभी आते हैं इन अ मिनट। ऑलराइट, नींद में क्रिस्टीना स्मिथ, नींद में लेग में अचानक पेन होता है, लेग मुड़ने लगता है जब भी लेग हिलाती हूँ, सर्कल के जॉइंट लेग से सर्कल बनता हूँ, हिप में राइट साइड के तरफ आवाज़ आती है हमेशा। भाई साहब ये थोड़ा सा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, बाकी आवाज़ आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सच वॉइसेज आर नॉट एबनॉर्मल, अंडरस्टैंड इट इज पेन। अगर दर्द है साथ में तो फिर आपको चेकअप कराना है, वरना टेंशन मत लो। और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करो, बाकी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। राइट, हेलो नज़ीर जी, मास्टरबेशन में उल्टा होकर मास्टरबेट करता हूँ, ये आपने फिर बार बार बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी करो, ये तो आपकी मर्जी है, इसमें मुझे क्या बोलना है, कोई टेंशन मत लो आप, जैसे मर्जी करो, ठीक है? TMT नॉर्मल है, चेस्ट पेन नॉर्मल है, हार्ट नहीं है, और कोई रीज़न होगा। मानस, टाइफॉइड का ट्रीटमेंट आप क्या लगता है, ऐसे बता दूँ, ये गोली खाओ, ये बड़ा ट्रीटमेंट है, क्लिनिक नहीं है, ये इलाज नहीं बताते हम, बताते हैं आपको बीमारी, बीमारी का हुआ कैसे और कैसे ठीक करना है, वो टाइफॉइड पे वीडियो आएगा, ज़रूर आएगा, डोंट वरी। पिंपल्स कैसे और कैसे दूर करें, एंड कैन आई अप्लाई मॉइस्चराइजर आफ्टर फेस, ऑब्वियसली फेस वॉश, ये कैसा सवाल हुआ है? मॉइस्चराइजर फेस वॉश के बाद ही तो लगेगा, पहले कैसे लगेगा? पहले लगा के मॉइस्चराइजर फिर आके फेस वॉश थोड़ी करोगे, राइट? यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर आफ्टर द फेस वॉश, बट ऑब्वियसली। और पिंपल कैसे दूर करें, मैंने सारा बताया, पहले 5-10 मिनट में जाके देखिए, एपिडर्मल सिस्ट का इलाज बताएं। एपिडर्मल सिस्ट इज स्किन के डर्मिस के ऊपर सिस्ट है, सिस्ट अगर बहुत बड़ा है तो एक्सीजन उसको फोड़ना निकालना पड़ेगा, अगर छोटा है तो कई बार खुद ठीक हो जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? और यही एरिथ्रोमाइसिन क्रीम लगा सकते हो उस पर। हेड पे कभी कभी आता है, कौन आता है हेड पे कभी कभी? आटा है हेड पे, आटा है, कौन आटा है, आटा है, काटा है कि आटा है, क्या लिखते हो यार, कभी कभी मेरे समझ नहीं आती, पहले 10 में आ जाते हो और पर कुछ भी लिखते हो। सर जी विटामिन D3 हाई हो जाता है और बॉडी पेन होता है, अच्छा D3 हाई हो जाता है और बॉडी पेन होता है, इवन मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेता, विटामिन D3 हाई है आपका, हाई है कि कम है, थोड़ा ये लॉजिक सही नहीं बैठा आपका, हाई होता है बॉडी पेन होता है यार, और भी कारण हो सकते हैं, इसके लिए फिर इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। खैर ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा आपको क्या बीमारी है, अगेन इट नीड्स फर्दर इवैल्यूएशन, या तो आप हमारे सामने हो या टेस्ट हमारे सामने हो तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हो। पिंपल्स कैसे ठीक होंगे, अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड ये सारे मेथड यूज़ करिए, बिल्कुल ठीक होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सर टायर्ड लग रहे भैया, पूरे दिन थक गए हम, कर करके भी काम बहुत हो रहा है आजकल, बहुत काम हो रहा है हॉस्पिटल में, पता नहीं ऐसा लग रहा बाढ़ आती जा रही है पेशेंट हार्ट वाले। एनीवेज लोग सुनते नहीं है, इतनी वीडियो बना रहा हूँ पर अपना ख्याल नहीं रखते, बताओ। एनीवेज
चलो हो गए 10 सवाल, आई थिंक सो, आई एम जस्ट चेकिंग, ताकि मैं एक्नी के सवालों का जवाब दूं और एक्नी पे स्पेसिफिक सवाल छोड़ू, ये नहीं एक्नी कैसे ठीक करूँ ऐसी, वही तो बता दिया पहले 10 मिनट में, एक्नी कैसे ठीक करूँ छोड़ के कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछिए। ओके, 1 2 3 4, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सवाल हो चुके हो चुके हो चुके हो चुके। चलो दोस्तों, अब मैं सबसे नीचे जा रहा हूँ। जो लोग अभी तक हमारे साथ हैं, मैं समझता हूँ आपने एक्ने के ऊपर सवाल पूछे होंगे, तो इसलिए आपसे पहले हम एक दो पहले पेड़ वाले सवाल देख लेते हैं। पेड़ वाले सवाल, लाइव चैट, टॉप चैट, पेड चैट, पेड चैट कहाँ है? सुपर चैट, सुपर चैट में नंबर वन अच्छा मेरे को ही आ रहा सुपर चैट पूछने का सवाल। अच्छा, सुपर चैट कैसे पूछते हैं मैं बता देता हूँ। जब आप चैट चैट पब्लिकली के नीचे ना एक डॉलर का साइन बना हुआ है ऐसा राइट साइड में, वहाँ दबाएंगे तो सुपर चैट का ऑप्शन खुल जाएगा। मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला मुझे भी, तो कोई बात नहीं, सुपर चैट ऐसे पूछते हैं। ऑल राइट, मैं एक एक चीज़ बताता हूँ, अभी डार्क स्पॉट के बारे में बताता हूँ, रुक जाओ पहले तुम। ए अनिक जी पूछ रहे हैं, सर जी माई बी पी इज़ 140/90 और 145/90, विच इज़ मोर डेंजरस हाई, एक सेकेंड, विच इज़ मोर डेंजरसली हाई, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, 20 kg बॉडी ओवर वेट, 31% बॉडी फैट, 29, वॉट शुड आई डू पाजी, ब्रिंग इट टू 110/90। 110/90 की 110/80, 110/70 लेकर आओ ना, काहे 90 को छोड़ नहीं रहे हो, 90 के पीछे क्यों पड़े हो? 90 इज़ ओके फॉर योर एज, 90 अबव इज़ अ प्रॉब्लम, 140 अगर रहे तो ऐसी कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। समटाइम्स 140 इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, जो हमने कई बार बताया स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है, और 145 इज़ लिटिल हाई, बट देन इट्स ओके, ऑल यू नीड टू डू इज़ अ लिटिल डाइटिंग, डैश डाइट फॉलो करिए, डैश डाइट का वीडियो दबा के सब्जियाँ खाओ, नमक कम खाओ, एंड यूल बी गुड, एंड दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम वेरी डेफिनेटली, ठीक है। रघुवेंद्र सिंह जी, आई एम सफरिंग फ्रॉम GERD प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम, इसके लिए क्या करना है, डिजीज इसके लिए क्या करना है, एंडोस्कोपी करा के देख सकते हो कि स्टमक ऊपर तो नहीं है, हायाटस हर्निया तो नहीं है। हायाटस हर्निया का वीडियो ना फोटो डालने के लिए रुका पड़ा है, वरना बना तो कितने दिनों से है, फोटो नहीं डाल पा रहा, मतलब टाइम नहीं मिलता यार एडिटिंग करने को, एडिटिंग करने के लिए फिर मैंने सोचा कोई बंदा रखूं, लेकिन बंदा रखूं समझ में आएगा नहीं है क्या पता नहीं, बट एनी वेज आई एम लुकिंग फॉर अ डॉक्टर हु कैन हेल्प मी आउट इन माई क्लिनिक एज वेल एज माई वर्क हियर, सो इफ डॉक्टर इफ समबडी लिव्स अराउंड एंड वॉन्ट्स टू यू नो वर्क विथ मी, देन यू कैन प्लीज ज्वाइन मी, एक बार क्लिनिक आके मिलो, बात करते हैं, ठीक है। ओके चलो, GERD के लिए भैया स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, एंडोस्कोपी करके देखो, हायाटस हर्निया तो नहीं, हायाटस हर्निया तो कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेट करना पड़ेगा या फिर लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, किंचुम किंचुम खाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, खाने के बाद लेटना नहीं, खाने के बाद झुकना नहीं 1-1.5 घंटा, खाने के साथ पानी नहीं पीना, बहुत सारा लिक्विड खाना नहीं खाना, राइट, और कार्बोहाइड्रेट्स जो इजीली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ज़्यादा चबा चबा के खाओ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, जॉक ये सब करो ठीक हो जाएगा, राइट। अगेन यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें, ओमेगा 3, आपको म्यूसिनैक लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए विटामिन B12, विटामिन डी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। एंड जॉक इच के बारे में भी सवाल आया है, जॉक इच इज अ फंगल इन्फेक्शन, एंटी फंगल क्रीम लगाइए, स्टार्ट विथ एनीथिंग, बैकलेट सी, कैंडिड बी, इट विल ट्रीट इट, अगर वो उससे नहीं हो रहा, बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा, एंटी फंगल क्रीम लगा चुके हो, सो ओरल क्रीम लेनी पड़ेगी, ओरल क्रीम बहुत सारी आती, ओरल क्रीम बोल रहा हूँ, ओरल टैबलेट लेनी पड़ेगी, क्रीम ओरल टैबलेट लेना पड़ेगा, वो 5 दिन 7 दिन फ्लूकोनाजोल दूसरी दवाइयाँ आती है, समझ करिएगा मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता यहाँ पे, लेकिन आपका इलाज वही है, और बाकी फंगल एंटी फंगल हाइजीन मेंटेन करना है, ड्राई रखना है, पाउडर लगाइए उसमें बढ़िया वाला, उसमें पाउडर लेने के ड्राई रखने के लिए, और रेगुलरली उसको ढीले ढीले कपड़े पहनो, कॉटन के कपड़े पहनो, उससे ठीक हो जाएगा, फिर आपको नहीं आएगा। ऑल राइट, तो अब शुरू करते हैं हम सवाल जवाब एक्नी के। पहला सवाल आदित्य सिंह का, और उसके नीचे आप अपने सवाल लिखने शुरू करिए आप लोग, आदित्य सिंह, और स्लोली स्लोली कोई दूसरा सवाल ना पूछे, देखो है ना, सिर्फ एक्नी वाले सवाल पूछे इसके नीचे, ठीक है। क्योंकि मैं और सवाल नहीं लूँगा, ठीक है। अजय दीप जी, सिर्फ एक्नी के सवाल इसके बाद प्लीज़, रिक्वेस्टिंग। आइसोट्रेटिनोइन का कोर्स 8 मंथ का होता है, बट इससे कंज्यूम करने से एजीबीटी टेस्ट थोड़े ख़राब आते हैं, डॉक्टर बीच में स्टॉप कर तो ऐसा क्या करे कि फुल कोर्स कंप्लीट कर सके विदाउट डैमेजिंग लिवर। अगेन आई सेड आइसोट्रेटिनोइन इज वन ऑप्शन, इट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, राइट। मैं पर्सनली किसी को आइसोट्रेटिनोइन नहीं दूंगा ना देता हूँ, राइट। वो एक वो तब तरीका है जब आप नहीं दूसरे तरीके से मैनेज कर पाते, राइट। वो टेम्पररी भी, अगर 8 महीने नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपने 8 मंथ का कोर्स ले लिया उसके बाद आपको फिर कभी नहीं होंगे,
अगेन देर इज नो गारंटी लाइक दिस राइट, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम यार। जब वो कुआं है, वो कुआं है, कुआं मतलब वो ऑयल बना रहा है, वो भरेगा तो छलकेगा, छलकेगा तो वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो बंद होगा। उसको अगर आप एक्नी स्किन केयर नहीं करोगे, हार्मोनल इम्बैलेंस लोगे, स्टीरॉयड लेंगे, उल्टी सीधे काम करोगे, तो वो फिर एक्नी आएंगे। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा पाई। सो जीना सीखना ही उसका एकमात्र तरीका है आइसोट्रेटिनोइन, जिसीलिए तो मैंने कहा आइसोट्रेटिनोइन और बाकी चीज़ें लिवर डैमेज कर, आइसोट्रेटिनोइन लिवर डैमेज करता है, इसलिए लिवर टेस्ट पहले और बाद में बीच बीच में करने पड़ते हैं। उसका कोई तरीका नहीं है कि यार बिना लिवर डैमेज के आइसोट्रेटिनोइन खा लो, लोकल क्रीम लगा लो उससे, उसकी जगह। ऑल राइट, एग, एग क्या होता है? ऑल राइट सर, प्लीज़ आंसर मी, मुझे नेजल पॉलिप है। सीखो, आप पहले 10 में नहीं आए, प्लीज़, तो सभी बोलते हैं, बट ये गलत बात है ना, दूसरों का टाइम मत लो ऐसे, प्लीज़, है ना। एक्ने वाले सवाल लो, एक्ने वाले सवाल, आई एम सफरिंग फ्रॉम एक्ने 17 ईयर ओल्ड। अगेन, व्हाट डिड यू डू, व्हाट एल्स आर यू ट्राइंग, व्हाट इज़ योर रूटीन, क्या कर रहे हो, क्या लगा रहे हो? बेंजोइल परोक्साइड नहीं तो शुरू करो, 2.5% से 5% तक बेंजोइल परोक्साइड डेली रात को लगाओ, एक चने की दाल के दाने जितना। ऐसा नहीं कि ऐसा क्रीम लेने का और ऐसे ऐसे लगाने का, दैट इज रॉन्ग राइट। टेक अ पिंक चिकनूसा और उसको लगाओ कि पता भी नहीं चले लगाया है, इट्स एन एसिड भैया, बेंजोइल परोक्साइड है, इट्स मतलब एसिडिक थिंग है वो, उसको ऐसे ऐसे लगाना पड़ता है, छोटी सी टेम्परेचर पे, उसमें माइनर लेवल पे पीलिंग भी होती है, इट इज़ वेरी गुड, डोंट वरी अबाउट इट राइट। ओके, एक्नी का सवाल, हाउ टू रिमूव एक्नी ब्लैक स्पॉट्स। ऑल राइट सी, यहाँ पर जो है ना, बहुत सारे एक्नी थे मेरे भी, आते रहते, बीच बीच में आते रहते। अल्टीमेटली सी, ब्लैक स्पॉट्स कम व्हेन योर बॉडी इज डूइंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लामेशन देयर, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा लंबे समय पे, तो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। सो नंबर वन थिंग, ये एक्नी आया उसको ख़त्म करो, यू कैन नॉट कीप दी एक्नी फॉर लॉन्ग डेज राइट। एक्नी की साइकिल होती है हफ्ते भर की, डेढ़ हफ्ते की कई लोग। अगर आप एक्नी को डे वन पे इरिथ्रोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन लगा देते हो दिन में एक दो बार, एक दो बार, तीन बार, तो फिर उसकी साइकिल छोटी होती जाती है। सो यूज़ इट, यूज़ इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, हर एक में एक ही मेडिसिन नहीं काम करती है, इसलिए यू हैव टू ट्राई कि कभी कभी क्लिंडामाइसिन और एडापिलिन, इरिथ्रोमाइसिन और दूसरे का कॉम्बिनेशन 3-4 टाइम्स, 3-4 एक्ने। भाई हर एक एक्ने इज़ एन अपॉर्चुनिटी, हर एक एक्नी, सिंगल एक्नी इज़ एन अपॉर्चुनिटी लर्न टू लर्न अबाउट योर सेल्फ, कि मेरे पास कौन सी, मेरे केस में कौन सी क्रीम काम करेगी, क्रीम के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो सारे मेरे वीडियो में है नीचे एक्ने के। तो आपको उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन की क्रीम्स लेनी है, हर बार यूज़ करनी है, एंड सी हाउ योर थिंग्स रिस्पॉन्ड अगेन, फिर अगेन असेस की भैया मैंने अपने हेयर के, ऑयल के, हॉर्मोन्स के किस एरिया में कहाँ पे आई एम मिसिंग आउट राइट। इफ़ यू वॉन्ट बी इन्वॉल्व इन योर ट्रीटमेंट, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ एक्ने और द एक्नी स्कार्स। एक्नी स्कार्स को अगर प्रिवेंट करने का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पानी। अगर आप प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं लोगे, स्किन ड्राई होगी, ड्राई स्किन बिकम्स डार्क सून, सो वो डार्क होगी। आप वो एक्नी, एक्नी प्रोन स्किन या एक्नी वाली स्किन लेके धूप में जाओगे, दैट अगेन कॉजेज प्रॉब्लम्स राइट। माइल्ड ठीक है, बहुत हैवी धूप प्रॉब्लम करेगी, समझ रहे हो बात को, हुआ क्यों, बढ़ेगा कैसे, ठीक कैसे होगा, इन सब से। तो इट्स मोर अबाउट प्रोटेक्शन देन एनी अदर ट्रीटमेंट। फिर भाई डॉक्टर के पास जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको लेज़र से बोलेगा, मैं लेज़र करूँगा, मैं पीलिंग करूँगा, मैं क्रायोथेरेपी करूँगा, कर लो, फिर वही करना पड़ेगा राइट। डू दीज थिंग्स माई फ्रेंड, एक्नी आफ्टर टू मिनट्स ऑफ मैस्टरबेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ स्वेटिंग माई फ्रेंड, ओवर स्वेटिंग। सो स्वेट ठीक करो, हार्मोन लेवल्स ठीक हो जाएंगे। यस, ग्लोबल माइंड ऑल्सो, क्या ग्लोबल, ग्लोबल, यू आर ग्रेट, थैंक यू हिमानी जी, थैंक यू सर। मैं जब बाहर की चीज़ खाना बंद कर देता हूँ तो एक्नी पिंपल नहीं होते, कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन। बाहर की चीज़ में क्या होता है, दे आर कुकिंग थिंग्स इन हाई हीट, डू यू नो वाई दे आर टेस्टियर देन योर होम कुक फूड, कभी सोचा है? इतना बड़ा स्टोव होता है उनका, इतनी बड़ी आग होती है उनकी, आपका स्टोव इतू सा, उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? वो उस पर्टिकुलर खाने की चीज़ को उस टेम्परेचर पे ले जाते हैं जहाँ के टेम्परेचर पर सीधा सीधा ट्रांस फैट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ज़रा सा ऑयल डाला उन्होंने, कोई भी ऑयल डाला, पहले तो ऑयल ही अच्छा नहीं होता, रीयूज्ड होता है, थर्ड उसमें इतना हाई टेम्परेचर, उसमें बनते हैं ख़तरनाक ट्रांस फैट, और ये ट्रांस फैट होते हैं ज़ोरदार टेस्टी, और ये ट्रांस फैट्स इतने टेस्टी इतने होते हैं कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बनाते हैं, इसलिए आपकी बॉडी जो नॉर्मली नॉर्मली खुश रहती है, चलो थोड़े से बैक्टीरिया ठीक हो जाएंगे, उनका क्या लगता है, बैक्टीरिया मारो, ऐसे हो जाती है। फिर वो क्या करती है, जरा सा भी, जरा सा वो ब्लॉक होने लगा, फोड़ फाड़ के उसको मारती है, वहाँ सूजन कर देती है, एक्नी कर देती है। सो ये एक्चुअली होता है ऐसा। सो आप बोलते हो उसके वजह से नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हाई फैटी फूड इनटेक, ग्रीसी फूड इनटेक राइट।
एक्नी में नींद नहीं आती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक्नी से अगर शर्मिंदा हो गए तो नींद नहीं आएगी, ये जरूर हो सकता है। ओके, अर्जेंट, बेस्ट विटामिन टू क्योर वीकनेस इन डायबिटीज, विटामिन विटामिन B12 एंड ओमेगा 3। क्रोन्स डिजीज सही नहीं हो रहा, क्रोन्स डिजीज वाले वीडियो में देखेंगे जनाब, क्रोन्स डिजीज के लिए भी आप ओमेगा 3 लेना शुरू करो, क्रोन्स डिजीज। एक्नी क्या होता है सर? वाह 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 वाह, आपने हमारा स्टार्टिंग से क्यों नहीं देखा भूमिक गर्ग जी, स्टार्टिंग में समझाया ना वो। ऑलराइट, चिन पे एक्नी हो जाते हैं क्या रीजन है? ये भी स्टार्टिंग में हमने समझाया है क्या रीजन है सर। एक्नी इज एक्नी एंड स्किन बॉयल सेम? नो, यूज मल्टीविटामिन टू ट्रीट? नो, स्किन बॉयल्स आर डिफरेंट। स्किन बॉयल्स, सी बॉयल्स किसी भी तरीके का एक, अगर स्किन में गुब्बारा सा बन गया जिसके अंदर पानी भरा है, दैट इज अ बॉयल, राइट? अगर वो गर्म हो गया कोई एरिया, चटका खा गया, दैट लीड्स टू बॉयल्स। कोई एरिया एलर्जिक रिएक्शंस कैन लीड टू बॉयल्स। एक्नी विल नॉट लीड टू बॉयल्स, इट विल लीड टू अ सिस्ट। सिस्ट मीन्स, सिस्ट यानी बॉयल जैसा होता है लेकिन उसमें पानी लिक्विड नहीं होता, उसमें पस होता है, तो एक्नी का व्हाइट कलर की पस होती है। सो एक्नीज आर नॉट बॉयल्स, दे आर डिफरेंट। ओके, बट यस, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्नी होगी तो एक आधा बॉयल नहीं हो, छोटा मोटा बॉयल बीच में हो सके, बट दे आर टोटली अ डिफरेंट थिंग। ओके, साफ़ी पी सकते हैं पिंपल के लिए? जी पी सकते हैं, लेकिन साफ़ी से पूरी बात नहीं होगी, साफ़ी से साफ नहीं होंगे। स्किन के अंदर, खून के अंदर गंदगी से एक्नी नहीं होते, कि खून साफ़ कर देने से या साफ़ी से, पहली बात तो कोई खून साफ़ नहीं होता, ये सब बोलने वाली बातें हैं, राइट? वो बोल देते हैं इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए, है कि नहीं? साफ़ी से खून साफ़ ऐसा नहीं होता, ना ही पिंपल्स पूरी तरह से निकलते हैं, बट देन दे आर गुड, दे कैन कंट्रोल सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, या कह लीजिए इट्स गुड फॉर एंटी ऑक्सीडेंट, और अच्छी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सो दे आर गुड एडिशन, बट देन यू शुड नॉट थिंक कि ये कोई मैजिकल क्योर है। अगेन, बाकी सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी, स्किन केयर रूटीन करनी ही चाहिए। ओके, एक्नी सर मेरे गाल पे पोर्स बड़े हो रहे हैं, क्या करूँ? अगेन, पोर्स, एक एक्नी के बाद बड़े बड़े जो गड्ढे रह जाते हैं, दो और आर ऑल्सो स्कार्स, दो और पिटेड पोर्स, स्कार्स है वो, उसके लिए पिटेड या अंदर वाले पोर्स के लिए मैंने एक्नी स्कार में वीडियो बनाया था, बट देन मैं कहूँगा आपके लिए ग्लाइकोलिक एसिड विल बी अ बेटर ऑप्शन। ग्लाइकोलिक एसिड एक्चुअली थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो रेगुलरली आपको, मतलब हफ्ते में 2 बार यूज़ कर लो, 6% रात को लगा के सो जाओ, सो दैट, और 2 4 10 20 मिनट लगाओ फिर धो लो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग कैन एक्चुअली लीड टू लेस पोर्स, राइट? वो देखो हर एक का एक प्रॉपर्टी है, वो जाके वीडियो देखो, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किन, राइट? स्लोली स्लोली थिंग्स गेट इन प्रॉब्लम, गेट वो ठीक हो जाते हैं। एक्ने पिंपल समर में, ऑब्वियसली पसीना आएगा तो पिंपल एक्ने होगा, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। समर में हो, मास्टरबेशन से हो, एक्सरसाइज से हो, या किसी भी उल्टा सीधा खाने से हो, दैट ऑल आर ऑल वन एंड द सेम थिंग। सर मेरे पेरिश पेरिस पेनिस पेनिस के नीचे साइड में पिंपल्स टाइप्स का लगता है, उसमें वाइट वाइट जैसा निकलता है, भैया 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 एक बार जाके यूरोलॉजिस्ट को दिखा लो, और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो एसटीडी के लिए टेस्ट करा लो, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट माइट बी अ सिफिलिटिक अल्सर, इट माइट बी बैड, इट नॉट, इट्स नॉट एक्ने देयर, अगर तो बहुत दिन से है तो गो एंड टेस्टेड, गेट गेट टेस्टेड। ब्लैक पे, एक पे बहुत सारे ब्लैक पे, बैक पे एक्ने नंबर वन रीज़न है बाल में तेल, बालों में बांधना शुरू करो, तेल ठीक करो, दैट इज वन बिग रीजन। एंड अगेन, बालों के लिए पीछे पीठ में क्या कर क्या होता है कि हम ऐसे 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 टॉवल रगड़ते हैं तो पूरी पीठ ड्राई कर देते हैं, वो बंद करो, पीठ में मॉइस्चराइजर लगवाओ, लगे यानी खुद से नहीं लगा पाओगे, लगवाओ अपने पार्टनर से, और वो करो, इट्स अ स्मॉल स्टेप, अगेन ट्रीट योर फेस, पीठ एज योर फेस, तब होगा ठीक। आई एम एक्ने, आई हैव एक्ने ऑन माई फेस, बहुत देर से ठीक नहीं हो रहा, 18 ईयर ओल्ड्स, 18 ईयर ओल्ड में एक्ने आएंगे, आपके हॉर्मोन्स छलकारे मार रही हैं, आपका टारगेट एक्ने खत्म होना नहीं है, एक्ने का साइकिल छोटा करना है। जब एक्ने आते हैं, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, एडिपलिन क्रीम लगाइए, और एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए, और धूप धपाक से बचिए ताकि कोई भी स्कार ना आए। कुछ सालों में, 1 2 साल में, कुछ महीनों में कई बार एक्ने ठीक हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, इस उम्र में होते ही होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट एक्ने के लिए लिया था मुझे बहु बार, पिंपल तो बेंजोइल परोक्साइड यूज़ करती हूँ बार बार, आजता हा चिन पे फोरहेड पर, कु सर कुछ अच्छा बताएं, कुछ समझा नहीं मेरे को क्या लिखा,
बट देन आप बेंजोल परोक्साइड यूज़ करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले चुके हो, अगर आपको बेंजोल परोक्साइड से इफेक्ट नहीं आया, देखिए हर प्रॉब्लम इज़ कि हम इफेक्ट तुरंत सोचते हैं, एक्नी प्रिवेंशन का इफेक्ट तुरंत नहीं आएगा। बेंजोल परोक्साइड या सैलिसिलेट या ग्लाइकोलिक एसिड पहले कुछ दिनों में एक्चुअली एक्नी बढ़ा देंगे, बिकॉज छुपे हुए एक्नी बाहर आते हैं। एक्नी जब दिखता है ना बाहर, उसके पहले से 3 दिन पहले से बन रहा होता है, 3 दिन पहले से बन रहा होता है। इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में समझाया था, एक्नी 3 दिन पहले से, तो वो पहले तो एक साथ थोड़ी 3 दिन पुराना एक्ने मार देगा, वो 3 दिन पहले से बने हुए कुछ एक्नी बाहर आते हैं, सो एक्नी थोड़ा सा बढ़ेगा। एंड देन फिर एक्नी प्रोन की जो टेंडेंसी ना अगले 2 से 3 महीने में ठीक होती है पूरी तरह से, इट टेक्स फ्यू गुड फ्यू वीक्स, 6 वीक्स 4 वीक्स ऐसे। तो अगर आपको बेंजोल परोक्साइड सूट करिए तो मैं कहूँगा 2 महीने ट्राई करके देखो, अगर नहीं तो बीच में हफ्ते में एक बार ग्लाइकोलिक एसिड भी लगा सकते हो, 2.6% का छोटा सा, एक 10 मिनट के लिए लगाओ और ठीक उसको कर लो, एक मिनी पील जैसा हो जाता है वो, ठीक है। हाँ बट देन टेस्ट इट, टेस्ट ऑलवेज टेस्ट करने का, ऑलवेज अपने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी टेस्ट करो, टेस्ट करके ही लगाना कुछ भी लगाना। सर स्कार्स या एक्ने क्या थे, अब स्कार्स हो गए हैं ठीक कैसे करूँ, ब्लैक वी लिटिल बिट, अगेन ये सेम चीज़ है, एक्ने स्कार्स हैं उसके ऊपर भी आपको स्किन केयर रूटीन करनी पड़ेगी, अब मॉइस्चराइजिंग लगाना पड़ेगा, स्किन ड्राई है तो कभी ठीक नहीं होगी, स्किन मॉइस्ट है तो ही ठीक होगी, तो पानी खूब पीना है, स्किन चमकनी चाहिए, खुश रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, नींद सही लेनी है, खाना सही खाना है, प्रोटीन सही खाना है, तभी तो स्किन बनेगी, है ना। सो देर आर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ विच यू हैव टू टेक केयर माई फ्रेंड। कितना बोल लिया मैंने भाई, ओके एक्नी, ओके क्या लिखा है, प्लीज सर टेल मी एरीटॉप लिक्विड इज बेस्ट फॉर एक्नी, एरीटॉप लिक्विड इज ओके फॉर ट्रीटिंग एक्नी, इट्स नॉट, अकेले नहीं ठीक करेगा, उसके लिए पूरी रूटीन देखनी पड़ेगी आपको, हमारी नीचे लिंक दिया है वो देखिए फॉलो करिए, ओके। बहुत सारे सवाल है हे भगवान, एक्ने मल्टी विटामिन आर सेफ फॉर एक्ने, एलोवेरा इज ओके फॉर एक्ने, एलोवेरा इज एंटी इन्फ्लामेटरी, एलोवेरा ले सकते हैं, एलोवेरा पी सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, एलोवेरा इज़ गुड फॉर एक्ने। और थैंक यू फॉर योर सलूट, और सर आइज़ छोड़ दो, पेन फूड बाय जल लगाना ठीक है कि नहीं, मल्टी विटामिन्स ले सकते हो, रेडनेस और बिग पोर्स, रेडनेस के लिए टेक टाइम, रेडनेस इज इन्फ्लामेशन, उसको शांत करने के लिए सिंपल कैलामाइन लोशन या कोई मॉइस्चराइजर लगाओ, और बिग पोर्स को हफ्ते में एक बार जब रेडनेस चला जाए उसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड का मिनी पील देना है 6% का, ज़बरदस्ती हैवी पील्स देने की कोशिश मत करना, हमेशा याद रखो लेस इज़ बेटर, जब आपको लगा कुछ नहीं हुआ तभी सीख हुआ था तभी ठीक हुआ, जब आपको लगा नहीं नहीं अभी और चाहिए और चाहिए और के, तब जलने लगेगा सड़ जाएगा, सो डोंट डू दैट, ओके। रिमेंबर स्किन के इस केस में लीस्ट इज बेटर, जब आपने कुछ नहीं लगाया दिख रहा तो वो बेस्ट मेकअप होता है, जब आपने क्रीम लगाई और पता ही नहीं चला लगाई है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग दीज थिंग्स, सो यही चीज़ करनी है, राइट। थैंक यू गाइज, विटामिन की कमी से एक्ने नहीं होता, विटामिन की कमी से नहीं होता है, दूसरी चीज़ों से होता है, विटामिन अलग से ले सकते हो वो आपके हीलिंग में हेल्प करेंगे, लेकिन प्रोटीन की कमी से ज़रूर, ये प्रोटीन की कमी कह रहा हूँ, एक्नी हीलिंग में प्रॉब्लम होगी अगर विटामिन कमी है, तो स्कार्स जल्दी बनेंगे, एक्नी स्कार्स, और प्रोटीन यानी विटामिन सी की कमी है तो कोलेजन नहीं बनेगा, गड्ढे बन सकते हैं एक्नी में, सो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं बॉडी की हीलिंग के लिए ऑब्वियसली, सो वो सब चीज़ें भी चाहिए, ओके। मल्टी विटामिन से यूरिन डार्क होता है, दैट्स नॉर्मल। चलो दोस्तों थैंक यू, बहुत टाइम हो गया, अगली बार मिलते हैं, बाय बाय, सी यू टुमारो, शेयर करो वीडियो भैया, शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप 2 बार शेयर का बटन नहीं दबा सकते, हाँ जी लाइक का बटन तो दबाते ही नहीं हो, शेयर का तो दबाओ, एक बार देखें किसी का सुपर चैट रह तो नहीं गया, एक ने जॉकेज प्रॉब्लम, ठीक है हो चुका।